हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल कॉन्सेप्ट एंड प्लान्स। तो फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि प्लास्टरिंग वर्क करवा रहे हैं तो उस केस में कितना आपका खर्चा बैठने वाला है, कितना आपका लेबर कॉस्ट रहेगा, कितना आपका मटेरियल कॉस्ट लगने वाला है, तो सारा का सारा इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ओके, जिसमें आपको सारा का सारा जितनी क्वांटिटी कितनी लगेगी, कितना आपका लेबर कॉस्ट लगने वाला है, देख सकते हैं कितना मटेरियल कॉस्ट लगेगा, सारा आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए, रेट एनालिसिस फॉर अ प्लास्टरिंग वर्क इन अ सीमेंट मोर्टार 1:4, यहाँ थिकनेस ऑफ जो प्लास्टर दिया है वो हमारे क्या 12 mm दिया गया है, ठीक है। एरिया ऑफ वॉल हमारे क्या 100 m² है, मतलब जो आप प्लास्टरिंग कराइएगा उसकी जो हमारी ये लेंथ हो गई और उसकी हाइट होगी वो 10x10 है। ओके, जो लेंथ और उसकी जो हाइट होगी वो हमारा क्या 10x10 होने वाली है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, और जो प्लास्टरिंग की थिकनेस है, मतलब कि जो इनर साइड में जो हमारा जो इसका थिकनेस होगा वो हमारा होगा 12 mm का। ओके, जो होगा ये 12 mm का। नाउ देखिए, सीमेंट मोटा रेशियो की बात करें 1:4 गिवन है, प्लास्टर की थिकनेस है वो हमारा 12 mm है। वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर कैसे निकलेगा, जो भी आपका एरिया हुआ, ठीक है, 100 m² का एरिया है, ठीक है, 100 m² का एरिया, उसे जब थिकनेस मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, थिकनेस से मल्टीप्लाई करेगा, देन आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। देखिए, 100 × ये 12 mm था, विद मीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो आ जाएगा 1.2 m³, क्योंकि हमें पता है 1 m में कितना होता है, 1000 mm, ठीक है। देखिए कितना निकला, 1.2 m³ निकला, किस कंडीशन में निकला, 1.2 m³ वॉल्यूम इज इन वेट कंडीशन, वेट कंडीशन में, और हमें क्या फाइंड करना अभी क्वांटिटी, ठीक है, सीमेंट सेंट का जितना भी जो भी लगने वाला है सारा, तो इसलिए हमें ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए, ड्राई वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर की बात करें तो 1.33 × वेट वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम कितनी है कि 1.2 m³, 1.2, ठीक है, × 1.33, तो आ जाएगी 1.596, इसको हम ओवरऑल 1.6 m² का मान लेते हैं। ना बात करते हैं हम लोग क्वान्टिटी सीमेंट और सेंट का। देखिए, सीमेंट क्वान्टिटी, तो रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो इंटू ड्राई वॉल्यूम, रेशियो ऑफ सीमेंट हमें पता है, देखिए फ्रेंड, वन पार्ट हमारा क्या यूज हो रहा है सीमेंट अगर आप लेते हैं, और फोर पार्ट हमारा होता है सेंट। तो देखिए, रेशियो ऑफ सीमेंट 1 हो गया, सम ऑफ रेशियो कितना हो गया, 1:4 है, तो कितना हो गया, 4×5 इंटू ड्राई वॉल्यूम, देख सकते हैं 1.6, तो नंबर ऑफ बैग कितना निकलेगा, 0.32 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 0.0347, क्योंकि एक बैग होता है वो हमारा कितना होता है 0.0347 m³ वॉल्यूम की बात करें, तो जब डिवाइड दीजिएगा तो आता 9.22, तो जिसमें हम लोग 10 nm या फिर नंबर या फिर बैग बोलते हैं, 10 bag लगने वाला है। सेंट की क्वांटिटी की अगर बात करेंगे आप कि कितना सेंट की क्वांटिटी लगने वाला है, तो देखिए, रेशियो ऑफ सेंट, जो भी हमारा रेशियो ऑफ सेंट रहेगा, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इंटू ड्राई वॉल्यूम, रेशियो ऑफ सेंट हमारा कितना है 4 है, सम ऑफ रेशियो 5 इंटू ड्राई वॉल्यूम हो जाएगा 1.6, तो क्वांटिटी आ जाएगी 1.28 m³। ओके, तो देख सकते हैं हमें पता है 1 m³ में कितना होता है, क्यूबिक फीट की बात करें तो 35.314 क्यूबिक फीट, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं 1.28 में कितना क्यूबिक फीट होगा, तो 1.28 इंटू 35.314 जो बराबर हो जाएगा 45.2 क्यूबिक फीट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सीमेंट की क्वांटिटी निकाल ली 10 bag लगने वाला, सेंट की क्वांटिटी निकाल ली जो कि 45.2 लगने वाला है। ना हम बात करते हैं फ्रेंड कितना कॉस्ट बैठेगा उस पर बात करते हैं। देखिए, मटेरियल कॉस्ट की सबसे पहले बात करते हैं कि कितना मटेरियल कॉस्ट बैठेगा, सीमेंट की बात करते हैं। देखिए, सीमेंट हमारा क्या कितना निकला क्वांटिटी 10, बैग में होगा इसका यूनिट, सेंट हमारा कितना निकल रहा क्वांटिटी 45.2, इसका होगा यूनिट CFT में। रेट जो जा रहा पर बैग वो हमारा 400 जा रहा, ठीक है, 400 पर बैग लग रहा, और सेंट लग रहा पर क्यूबिक फीट 70 रुपये। अब रेट को जब क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेगा, सीमेंट के केस में तो 4000 आने वाला है, सेंट के केस में हमारा 70 को मल्टीप्लाई करेगा 45.2 से, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 3164, ठीक है, जब एड ऑन करेगा तो आएगा 7164, ठीक है, इतना रुपीस लगने वाला मटेरियल कॉस्ट लगेगा, इतना ओनली, ठीक है, मटेरियल कॉस्ट के लिए आया 7164। लेबर कॉस्ट की बात करें कि लेबर के लिए कितना खर्चा बैठेगा, तो देखिए, मेसन, मजदूर, बिस्ती, ठीक है, तीनों लेबर, तो इसमें अगर बात करें कि देखिए, मेसन के केस में 100 m² के केस में 7.5 लगने वाला है मेसन, ठीक है, 100 m² अगर प्लास्टरिंग करा रहे तो उस केस में 7.5 हमारा लगने वाला होता है मेसन, मजदूर लगता है 7.5, बिस्ती लगता है 2.5, ठीक है। अब यह निकल गया उसकी क्वांटिटी पर 100 m² के लिए,
अब रेट की बात करें तो एक दिन में 600 ले रहा है हमारा मेसन, मजदूर लेता है एक दिन का 400, बिस्ती लेता है पर डे का 300। तब जब हमारा रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेगा तो आपका आ जाएगा 4500, ठीक है। जब मजदूर के केस में आएगा हमारा क्या हो जाएगा, 400 × 7.5 हो जाएगा 3000, बिस्ती केस में 2.5 × 300 तो आ जाएगा 750, ठीक है। ये हमारा निकल गया टोटल लेबर कोस्ट। प्लस फ्रेंड यहाँ पर स्काफ फोल्डिंग, ठीक है, स्काफ फोल्डिंग को हम लोग बेसिकली लम्स में अमाउंट में लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो रेट ले रहे हैं वो हमारा 1000 ले रहे हैं, तो इसकी अमाउंट कितनी लगने वाली है, 1000 लगने वाली। तो इसको जब सम अप करिएगा तो आएगा 9250, ठीक है। तो मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट दोनों को एड ऑन करिएगा, तो ये फ्रेंड स्काफ फोल्डिंग बेसिकली आप इसमें भी डाल सकते हैं, मटेरियल में डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर डाल दें, ऐसे कुछ बात नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो स्काफ फोल्डिंग को आप मटेरियल कॉस्ट में भी एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है ना। जब आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपकी जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी 16414, ठीक है ना। बात करते हैं 8.15% चार्ज, ठीक है, ऑफ टोटल कॉस्ट, 1.5% वाटर चार्ज। तो देखिए 1.5% किसका, टोटल कॉस्ट का, तो 16414 का 1.5% निकालिएगा तो आता है 2462 का। वही 10% कॉन्ट्रैक्टर चार्ज लेना है आपको, तो कितना हो जाएगा, 10% निकालिएगा 16414 का, तो आ जाएगा 16414 रुपीज़ में सारा है, ठीक है। देखिए हमारी जो क्या हो जाएगी, अब ये सारा निकाल लें कि वाटर चार्ज निकाल लें, कॉन्ट्रैक्टर चार्ज निकाल लें और जो टोटल कॉस्ट निकला था वो तीनों में जब आप सम अप करिएगा तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, मतलब कि कितना खर्चा बैठेगा, 18301.61 इतना रुपया लगेगा ग्रैंड टोटल, ठीक है। इतना लग रहा है किस केस में, तो 100 मीटर स्क्वायर प्लास्टरिंग के केस में। अगर आप 1 मीटर स्क्वायर के लिए निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर के लिए कितना आपका रुपीज लगेगा, ठीक है। तो उस केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 183.02, मतलब कि लम सब हो सकता है 183 रुपया लगने वाला है पर मीटर स्क्वायर के लिए, ठीक है। पर मीटर स्क्वायर के लिए कितना रेट आएगा, 183 रुपया लगने वाला है, ठीक है, अगर आप प्लास्टरिंग करा रहे हैं तो, ओके। तो फ्रेंड आज हमने बात किया कि प्लास्टरिंग अगर वर्क करवाना चाह रहे हैं तो आप कैसे रेट निकाल सकते हैं, जिसमें हमने एरिया हमने 100 मीटर स्क्वायर के लिए कैलकुलेट किए थे, ठीक है। तो फ्रेंड ये हमारा था एरिया के अनुसार सारा का सारा लेबर कॉस्ट कितना लगा, लेबर कितना लगा, मजदूर कितना लगा, बिस्ती कितना लगा। अगर आपका एरिया टोटल चेंज हो जाता है फ्रेंड, तो उसके अनुसार टोटल का टोटल जो भी फॉर्मेट है वो आपको चेंज हो जाएगा सारा का सारा। अगर सपोज यहाँ पर 10 हो जाता, ठीक है, सपोज अगर आप 10 हो जाता तो इसकी क्वांटिटी चेंज होती है वो तो अलग, लेकिन आपका जो लेबर कॉस्ट है ये भी चेंज हो जाता, क्योंकि 100 मीटर स्क्वायर के लिए, देखिए 100 मीटर स्क्वायर के लिए आपका कितना लग रहा है, 7.5, तो 10 मीटर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा, 7.5 / 100, ठीक है, इंटू हो जाएगा पर 10। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी हो जाएगी फॉर मेसन, ठीक है। तो इसी तरह आपका मजदूर का भी चेंज हो जाएगा और बिजली का भी चेंज हो जाएगा, मतलब कि जैसा आप, मतलब कि आपका जो भी रहेगा प्लास्टिंग का एरिया उसके अनुसार चेंज हो जाएगा, ओके। तो फ्रेंड्स होप कि ये आज की वीडियो थी हमारे रेट एनालिसिस ऑफ प्लास्टिंग वर्क, कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि सभी को पता कर सके कि अगर आप मतलब प्लास्टिंग करवा रहे हैं तो उस केस में उसकी कितनी रेट एनालिसिस कितनी लगने वाली, कैसा आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी उनकी कॉस्ट बैठने वाली है, ओके। तो ये था आज का वीडियो, अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।